हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके इंस्टाग्राम पर आने वाली कॉल का साउंड का आवाज सुनाई नहीं देता है? यानी कि आपके इंस्टाग्राम पर जब कोई कॉल करता है तो उसका साउंड नहीं बजता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि कॉल करता है तो उसका साउंड आवाज आता है। बट अगर आप में इस तरीके से कोई वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग करता है आपके इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम पर कॉल आती है तो उसका आवाज आपको सुनाई नहीं देता है और रिंगटोन आपका बजता नहीं है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके इंस्टाग्राम में हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बनी रहिएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर थ्री लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका प्रूफ ऑल इस तरीके से ऑन होगा तो इसे ऑफ कर दीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर क्यूट मोड देखने को मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अगर क्यूट मोड आपका ऑन होगा तो इसे ऑफ कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, ऑफ करने के लिए टर्न ऑफ क्यूट मोड का ऑप्शन देखने को नीचे मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, ये क्यूट मोड आपका ऑफ हो जाएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है कॉल्स का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। कॉल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अगर वीडियो चैट इस तरीके से ऑफ होगा तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फ्रॉम एवरीवन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को और मिल जाता है एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग्स का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपका ऑल इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन इस तरीके से ऑफ होगा तो फ्रेंड्स, इसे ऑन कर दीजिएगा। इस तरीके से ऑन कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑल डायरेक्ट नोटिफिकेशन इस तरीके से ऑफ होगा तो यहाँ से सारे के सारे को इस तरीके से ऑन कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीन चीज मेरा ऑन है, ऑफ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ऑन कर देना है सभी को। यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से ऑफ रहेगा उसे आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है, चेक कर लेना इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ढेर सारा मेरा यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ था, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम ऑन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से ऑन कर दीजिएगा। और ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको अपने इंस्टाग्राम से बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, एक काम और आपको कर लेना है कि अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेटिंग ऐप को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपका रिंगटोन वैल्यू इस तरीके से कम होगा यहाँ पर, तो फ्रेंड्स इसे आपको बढ़ाकर फुल कर देना इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। और एक चीज और यहाँ पर चेक कर लेना है, अगर डू नॉट डिस्टर्ब इस तरीके से ऑन होगा, यहाँ पर ऑन होगा ये बटन डू नॉट डिस्टर्ब सेवा, इस तरीके से ऑन होगा तो फ्रेंड्स इसे ऑफ कर देना, इस तरीके से ऑफ होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक हो जाना है। अब बैक होने के बाद फ्रेंड्स, आपके इंस्टाग्राम पर जब कोई भी कॉल करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सुनाई देगा। यानी कि कोई भी कॉल आएगी आपके इंस्टाग्राम पर तो उसका आवाज सुनाई देगा, यानी कि रिंग बजेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम से। तो फ्रेंड्स, ये रही जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।